अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमें बड़ी स्पेशल डिमांड आई है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हमें लाहौरी फिश की रेसिपी जो है वो बताएं। बड़ी आसान, बहुत ही सिंपल, आप बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी आसानी से बन जाती है। इसको बनाने के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ और ये रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, हमने यहाँ पे 1 किलो कोड फिश ले ली है। आप अगर इंडिया, पाकिस्तान या किसी एशियाई मुल्क में हैं तो वहाँ पे आप रोहू ले सकते हैं, सुरमई ले सकते हैं। अगर आप अमेरिका, यूरोप या इंग्लैंड में हैं तो उसके लिए आप कोड ले लें, हेडक ले लें। इस ये स्किनलेस है, बोनलेस है, हमने इसको इस तरह पीसीज में करा लिया। उसके लिए जो मसाले हमें चाहिए, हमने चिली फ्लेक्स ले लिए हैं 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, अजवाइन है 1 टीस्पून, नमक हमने 1.5 टीस्पून लिया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। गरम मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया उसको हमने पाउडर नहीं किया, दरदरा उसको कर लिया है 2 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून हमें चाहिए, अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लिया है। उसके अलावा बेसन हमें चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून और ऑयल चाहिए फ्राइंग के लिए। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। ये जो मसाले हमने मेजर किए हुए हैं ये सबसे पहले डालेंगे। कुछ लोग इसमें अदरक नहीं डालते, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट को इन्हांस करता है और बहुत मज़ेदार बनेगी फिश आपकी। इनको ज़रा मिक्स करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा बेसन डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम डाल लेंगे पानी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी जब आप डालें तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको जो मिक्सचर चाहिए वो कितना थिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रनी होगा तो वो फिश के ऊपर स्टिक नहीं करेगा। मसाला हमारा जो है वो रेडी है। सो व्यूअर्स, जो बेसन हमने थोड़ा सा बचा लिया था उसको हमने इस फ्लैट प्लेट में डाल लिया है। ये हमने इसलिए बचाया था कि फिश को अपनी मैरिनेशन मसाले में डालने से पहले हल्का सा डस्ट कर लेंगे। उसकी वजह जो है वो ये है कि जो मसाला है वो फिश से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उतरेगा नहीं, ये इसका सीक्रेट है। तो इसको हल्का सा हमने डस्ट कर लिया, को अच्छे से कोट कर दें और एक साइड पे कर लें। इस तरह ही हम बाकी के सारे पीसेस जो हैं उनको भी मसाला लगाते हैं। तो हमने अपना मसाला जो है वो फ्रिज के ऊपर अच्छी तरह लगा लिया। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसको तकरीबन 25 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखा है। इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़िश जो है उसका मीट वैसे ही टेंडर होता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी फ़िश जो है मसाले के साथ वो हमेशा उसको डीप फ्राई करते हैं, तो आपने जो ऑयल का टेम्परेचर है वो तकरीबन 160 से 170 होना चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच जाए तो इसको मीडियम फ्लेम जो है वो कर लेना है। फ़िश को पकने के लिए 7 से 8 मिनट चाहिए होंगे ताकि वो अच्छी तरह से गल भी जाए और ऊपर से उसकी लेयर जो है वो क्रिस्पी होगी। हमारा ऑयल जो है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे आ चुका है, हमने चेक कर लिया, और अब जो फ़िश के पीसेज हैं हम स्लोली इसमें डालना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, आप खाएंगे याद करेंगे। जैसे आप बाज़ार में खाते हैं आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा।
इसको हम ओवर क्राउड नहीं करेंगे, तीन पीसीज हमने डालें तो ये अच्छे आराम से इसको पकने देंगे। तीन से चार मिनट हम एक साइड पे पकाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे, दूसरी साइड से भी तकरीबन उतना ही टाइम इसको पका लेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन चार से पाँच मिनट हो गए, अब हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। बड़े अच्छे से इसका कलर जो है वो आना शुरू हो चुका है। हमारी फिश तकरीबन रेडी है, इसको दो मिनट और पकाएंगे तो फिर इसको निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला था वो बड़े ही अच्छे तरीके से साथ फिश के रहा है। तो हमारा दूसरा बैच जो है टू पीसेस हमने डाले हैं वो भी रेडी हो गया, तो निकाल लेते हैं। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और इसका जो टेस्ट है मैं आपको बताऊं कि बहुत ही सटल मसाला, हल्की हल्की खटास है और ऑल द स्पाइसेस आप फील कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो अब मैं आपको डिश आउट करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी फाइनल लुक है जो लाहौरी फ्राइड फिश जो हमने बनाई है, ये मैं आपको काट के दिखाता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त जो है अंदर से ये गली है, देख लें। देखें और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो here we are viewers, moment of truth, हमने बड़े ही कम टाइम में बड़ी ही ज़बरदस्त लाहौरी फ्राइड फिश जो है वो तैयार कर ली है। बहुत कम मसाले डलते हैं और बड़ी आसानी से बन जाती है। आप इसको घर पे ट्राई करें और अपना तजर्बा मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।